अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी को फोन करके विधानसभा चुनावों में कामयाबी के लिए बधाई दी और ये जानकारी व्हाइट हाउस की तरफ से दी गई है। प्रेस सेक्रेटरी शॉन स्पाइसर ने मीडिया को बताया कि ट्रंप ने मोदी को चुनावों में मिली हालिया सफलता के लिए बधाई दी। हाल ही में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए थे और 4 राज्यों उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में बीजेपी की सरकार बनी थी। पंजाब में कांग्रेस की सरकार बनी थी। ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद से अब तक पीएम मोदी और अमेरिकी प्रेसिडेंट की मुलाकात नहीं हुई है। हालांकि ट्रंप के प्रेसिडेंट का चुनाव जीतने पर पीएम मोदी ने उन्हें फोन कर बधाई दी थी और उस दौरान बातचीत में आशा जताई थी कि दोनों देश मजबूत आधार वाले भारत अमेरिका संबंधों को और आगे बढ़ाएंगे। बात दुबई की करते हैं, जो एक ऐसा देश जहां रफ्तार और रोमांच का मेल आपको एक अलग ही दुनिया में लेकर जाता है और जिस शहर में रफ्तार ही उसकी पहचान हो तो वहीं के सिक्योरिटी को भी हमेशा चाक चौबंद रहना जरूरी होता है, क्योंकि दुनिया के हर कोने से हर कोई दुबई जरूर देखने आता है। इसलिए शहर की इज्जत पर कोई धब्बा ना लगे, इसके लिए दुबई पुलिस ने अब नया इनिशिएटिव लिया है। पहले शेखों की इस दुनिया में पुलिस लैम्बोर्गिनी और फरारी जैसी कारों से पेट्रोलिंग करते थे, लेकिन अब इस कड़ी में 2 और बड़ी गाड़ियों का इसमें नाम जुड़ गया है, जिनमें बुगाती और वेरॉन शामिल हैं। और इन गाड़ियों के दुबई पुलिस की टीम में शामिल होते ही अब ये पुलिस बल हो गया है, तूफानी रफ्तार वाला पुलिस बल। इसलिए सिक्योरिटी सिस्टम को हमने नाम दिया है पेट्रोलिंग एट 407 किलोमीटर पर आवर। पुलिस का धूम वाला अंदाज, ₹407 किलोमीटर की रफ्तार से बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। किसी भी देश की पुलिस यही चाहेगी कि उसके पास एक ऐसी जबरदस्त तेज रफ्तार कार हो जो गोली की रफ्तार से चले, जिसकी मदद से वो धुआंधार स्पीड के साथ किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटी को नाकाम कर सके और साथ ही पावरफुल होने का एहसास भी ले सके। तो जनाब, दुबई पुलिस का रफ्तार वाला ये सपना तो पूरा हो गया है, या यूं कहें कि दुबई पुलिस की रफ्तार को और तेजी मिल गई है। वैसे तो दुबई पुलिस पहले से ही दुनिया भर में अपनी फास्ट कार्स को लेकर पॉपुलर है और अब उसी कड़ी में दुनिया की सुपर फास्ट लग्जरी कार बुगाती वेरॉन भी शामिल हो गई है, जिसने दुबई पुलिस को एक बार फिर सुर्खियों में ला दिया है। जी हाँ, दुबई पुलिस के पास सुपर फास्ट लग्जरी कार बुगाती वेरॉन पहुँच गयी है। ये पहली बार नहीं है जब दुबई पुलिस को कोई सुपर कार मिली हो। दुबई पुलिस ने इस कार को 2016 में खरीदा था और अब इस कार का इस्तेमाल पुलिस ने शुरू कर दिया है। बुगाती वेरॉन का नाम दुनिया भर की सबसे तेज गाड़ियों की लिस्ट में शुमार किया जाता है। दुबई पुलिस के पेट्रोल फ्लीट यूनिट को ये कार मिली है। वहीं इस कार के दुबई पुलिस को मिलते ही उसके पास तेज कार होने का टाइटल भी आ गया है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से ऑफिशियली बुगाती वेरॉन को पुलिस डिपार्टमेंट में मौजूद सबसे तेज कार का टाइटल दिया है। इस कार को यूं ही सबसे तेज कार नहीं कहा जाता, दरअसल ये कार 407 किलोमीटर पर आर की टॉप स्पीड पर चलती है। किसी भी कार के लिए ये स्पीड वाकई में बहुत ज्यादा है। 16 सिलेंडर से लैस ये कार 1000 हॉर्स पावर जनरेट करती है। आपको बता दें कि दुनिया की सुपर फास्ट लग्जरी कार बुगाती वेरॉन की कीमत लगभग 10.5 करोड़ रुपए है। बता दें कि दुबई पुलिस को पहली बार कोई सुपरकार नहीं मिली है। दुबई पुलिस के सुपर फ्लीट में बुगाती के आने से अब कुल 14 सुपरकार्स हो गई हैं, जिसमें मैकलारेन MP4 12C, लैम्बोर्गिनी एवेंटाडोर, फरारी FF, मर्सिडीज रोश मस्टांग जैसी सुपरकार्स शामिल है। सिर्फ इतना ही नहीं, एस्टन मार्टिन, हाइब्रिड पोर्श, पैनामेरा, BMW, M6 ग्रैंड कूप जैसी कार्स भी दुबई पुलिस की फ्लीट लिस्ट का हिस्सा हैं। वहीं सबसे दिलचस्प बात ये है कि जब से दुबई पुलिस को बुगाती वेरॉन मिली है, वहां के पुलिस इमरजेंसी नंबर्स पर कार के बारे में पूछताछ से जुड़े फोन कॉल्स की तादाद बढ़ गई है और इंटरनेट पर भी दुबई पुलिस का ये अंदाज अब सुर्खियां बटोर रहा है।
ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया 24/7। तो चलिए, आपने ये तो देख लिया कि अब दुबई में तूफानी रफ्तार से पेट्रोलिंग करने के लिए लग्जरी गाड़ियों का काफिला आ गया है, लेकिन आखिर पेट्रोलिंग के लिए इतनी महंगी और लग्जरियस कार की जरूरत दुबई पुलिस को है और ऐसा क्यों है, इसे जानने के लिए ये रिपोर्ट देखिए। रेगिस्तान की रेत के बीच बसा दुनिया की जन्नत का नजारा, शेखों की दुनिया की जन्नत वाली सराय, साहिल की लहरों से टकराते जजीरे, गलियों में हंसी के साथ मुस्कुराती खुशियां, आंगन में पैबंद तहजीब की तस्वीर, शाही वेलकम का सुरीला अंदाज, हवाबाजों की कलाबाजियों का करता, जहां मीलों ऊपर आसमान से दिखती है समंदर से प्यार करती अनोखी दुनिया। कहीं समंदर की पड़ोस लिए बड़ी इमारतें, तो कहीं जमीन पर दिखते समंदर के बुलबुले, आंखों के सामने गुजरती समंदर की नीली दुनिया। आसमानी बादलों में गुफ्तगू करती इमारती दीवारें जब रात के अंधेरों में रोशनी से गुलजार होती हैं, तो लगता है कि सैकड़ों महताब जगमग हो गए हों। रेत के बीच समंदर से अटखेलियां करता रेगिस्तान, ये दुनिया है मिडिल ईस्ट के दुबई की, ये दुनिया है रफ्तार की, ये दुनिया है रोमांच की, कभी केवल मनोरंजन के लिए ट्रैक पर दौड़ती हैं करोड़ों की कारें, तो कभी रेगिस्तान की रेत में धूल उड़ाती दौड़ती गाड़ियां। कहीं समंदर की लहरों पर सवारी करता है इंसान, तो कहीं आर्टिफिशियल बर्फ पर होता है रफ्तार का रोमांच। कहीं गोतों के जरिए इंसान खोजता है समंदर के मीलों नीचे की खूबसूरत दुनिया, तो कहीं आलिशान आशियाने दिखते हैं। शाही अंदाज में ये ऐशो आराम और लुत्फ उठाने की दुनिया है। कभी समंदर के पड़ोस में दिखती है भव्यता, तो कभी समंदर की लहरों पर सवारी करता है एक रंगीन शहर।
दुबई में शौक सबसे बड़ी चीज है। यहाँ का जीने का अंदाज शाही है, बड़े बड़े मॉल, बड़े बड़े रिजॉर्ट, बड़ी बड़ी गाड़ियां, ये सब दुबई की शान है। समंदर के संग रेत का रोमांच पैदा करता है दुबई। शेखों की जगमगाती सराय में जीवन को बड़ा बना के आनंद को चरम पर पहुंचाना ही अंतिम लक्ष्य होता है। इंटरनेशनल डेस्क, इंडिया 24/7। तो रफ्तार और रोमांच के बाद हांगकांग की बात करते हैं, जहां हुए चुनावों के नतीजे आ गए हैं और जनता ने इस बार यहां सत्ता की कमान पहली बार एक महिला को सौंपी। लेकिन इस बार जिसे वोट का साथ मिला उन पर कंट्रोवर्सीज का भार भी ज्यादा है। हम बात कर रहे हैं कैरी लैम की, जिन्हें हांगकांग को संभालने की जिम्मेदारी मिली है। हांगकांग में चुनाव, नए लीडर को मिली जिम्मेदारी, पहली बार महिला संभालेगी कमान। मिली हांगकांग की कैरी लैम से। कैरी लैम को चीन का सपोर्ट हासिल है और अब उन्हें हांगकांग का एडमिनिस्ट्रेशन संभालने की जिम्मेदारी दी गई। हांगकांग में हुए इलेक्शंस में कैरी लैम ने जनता का समर्थन हासिल किया है और ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी महिला को हांगकांग की सत्ता की चाबी सौंपी गई है। कैरी लैम को हांगकांग के 1200 रिप्रेजेंटेटिव्स में से 777 ने वोट दिए, जबकि उनके कॉम्पिटिटर जॉन सैंग को 365 वोट मिले। चुनाव में इतने बड़े अंतर से जीत हासिल कर लैम अब 1 जुलाई को कार्यभार संभालेंगी। हांगकांग हमारा घर है, लेकिन ये बहुत तरह से बटा हुआ है। मेरी प्राथमिकता है कि हमारी सोसाइटी से ये भेदभाव खत्म हो और हम एकजुट होकर आगे बढ़ें। The frustrations and to unite our society to move forward. इलेक्शन में मिली भारी जीत के बाद लैम मीडिया और अपने लोगों के सामने आई और जीत के लिए शुक्रिया अदा किया। इस दौरान लैम ने चुनाव के दौर में किए गए वादों को पूरा करने का भरोसा दिया। लैम ने ये कहा कि जल्द ही 2 स्तरीय प्रॉफिट टैक्स व्यवस्था लागू की जाएगी और लोगों पर से टैक्स का बोझ कम किया जाएगा। We have a lot of housing problems, we have a lot of education problems, we have a lot of health problems. हमारे यहाँ हाउसिंग की मुश्किलें हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, बहुत सारे क्षेत्रों में हालात खराब हैं और इसीलिए मेरी प्राथमिकता है कि पहले मैं लोगों को एकजुट करूं ताकि हम आगे बढ़ सके और विकास के लिए अच्छा माहौल तैयार कर सके। लेकिन लैम के लिए ये राह आसान नहीं थी। इलेक्शंस के दौरान लैम को चीन के सपोर्ट की वजह से काफी आलोचना का सामना करना पड़ा था। चुने हुए 1200 प्रतिनिधि जिस समय नेता का चुनाव कर रहे थे, उस समय सैकड़ों लोग चुनाव का विरोध करते हुए प्रदर्शन भी कर रहे थे। दरअसल इन चुनावों में हांगकांग की आजादी को लेकर भी काफी आवाज उठी थी। चीन से आजादी के अलावा लोगों ने सीधे वोटिंग का अधिकार हासिल करने की भी मांग उठाई थी। सीधे तौर पर प्रतिनिधि चुनने के हक को लेकर भी आवाज उठी। आपको बता दें कि 1997 में ब्रिटिश शासन से चीनी शासन के अंतर्गत आए हांगकांग में चीन लगातार अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। वो एक देश में दो व्यवस्था का भी विरोध कर रहा है, जिसके चलते हांगकांग में सरकार चुनी जाती है। ऐसे में कैरी की प्रो बीजिंग इमेज उनके एडमिनिस्ट्रेशन में मुश्किलें जरूर खड़ी कर सकती है। इंटरनेशनल डेस्क, इंडिया 24/7। और हांगकांग के शॉपिंग मॉल में एक दर्दनाक हादसा हुआ। यह हादसा एस्केलेटर पर हुआ, जिसमें 18 लोग बुरी तरह से घायल हुए हैं। रिपोर्ट देखिए। हांगकांग की ये तस्वीरें आपको डरा देंगी। इन तस्वीरों को देखने के बाद आप एस्केलेटर्स पर चढ़ने से पहले दो बार सोचेंगे। ऐसी जानलेवा सीढ़ियों पर चढ़ना खतरे से खाली नहीं। ये तस्वीरें हैं हांगकांग में हुए दर्दनाक एस्केलेटर हादसे की। जिसने भी इन तस्वीरों को देखा वो एस्केलेटर्स पर कदम रखने से भी कतरा रहा है। ये हादसा हुआ हांगकांग के लांघम प्लेस में, जो कि हांगकांग का स्काईस्क्रैपर शॉपिंग मॉल है। टूरिस्ट के शॉपिंग की पसंदीदा जगह लांघम प्लेस में ये हादसा उस वक्त हुआ जब भीड़भाड़ वाले शॉपिंग मॉल में अचानक से एस्केलेटर ने अपना डायरेक्शन बदल दिया। आम दिन की ही तरह मॉल में खचाखच भीड़, लोग एस्केलेटर से ऊपर वाले माले की तरफ बढ़ रहे थे कि अचानक से ऊपर चढ़ने वाले एस्केलेटर ने अपनी दिशा बदल दी और वो नीचे की तरफ बढ़ने लगा। ना सिर्फ एस्केलेटर की दिशा बदल गई, बल्कि उसकी रफ्तार भी दोगुनी हो गई। अचानक बदली एस्केलेटर की रफ्तार और डायरेक्शन चेंज की वजह से लोग भरभरा कर नीचे गिरने लगे। इस हादसे में 18 लोग बुरी तरह घायल हो गए, जिसमें 2 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है।
एस्केलेटर मॉल के चौथे और आठवीं फ्लोर को कनेक्ट करता है। 45 मीटर लंबा यह एस्केलेटर हांगकांग का सबसे लंबा एस्केलेटर है। बता दें कि ज्यादातर एस्केलेटर में सेफ्टी डिवाइस होता है जो कि यह सुनिश्चित करता है कि एस्केलेटर की दिशा ना बदले और एस्केलेटर की रफ्तार पर लगाम लगाने के लिए सिस्टम में ब्रेक भी इंस्टॉल होते हैं। 23 मार्च को ही इस एस्केलेटर ने सेफ्टी टेस्ट पास किया था। फिलहाल इस मामले में एस्केलेटर से छेड़छाड़ के आरोप में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सेफ्टी टेस्ट पास होने के बावजूद एस्केलेटर की दिशा कैसे बदली और रफ्तार पर लगाम क्यों नहीं कसी, इस पर मॉल एडमिनिस्ट्रेशन जांच कर रहा है। इंटरनेशनल डेस्क, इंडिया 24/7। हांगकांग के बाद बात पड़ोसी बांग्लादेश की करते हैं, जो बीते चार दिनों से सिलहट स्थित 5 मंजिला इमारत पर कब्जा जमाए आतंकियों को खत्म करने में अभी तक कामयाब नहीं हो पाया। यहां पर सुबह फिर आतंकियों ने इमारत से फायरिंग की। ज्वाइंट टास्क फोर्स भारी मशक्कत के बाद भी आतंकियों को खत्म नहीं कर पाई। दूसरी तरफ सुरक्षा एजेंसीज ने आतंकी खतरे को देखते हुए 5 किलोमीटर के हिस्से को सील कर दिया है। आतंकियों को खत्म करने के लिए ऑपरेशन ट्वाइलाइट चलाया है। बांग्लादेश के डेली स्टार ने यह भी बताया कि अब तक इमारत में फंसे 50 लोगों से ज्यादा लोगों को यहां सुरक्षित भी बचा लिया गया है और अभी भी लेकिन काफी लोग इस इमारत में फंसे हैं जिन्हें बचाने की अब पूरी कोशिशें हो रही है।